जी, बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन करने से। और क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया था, जो आपने कर भी लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया, ये सवाल सवाल पेपर पेपर में में 16 16 मार्क्स मार्क्स का का आया आया हुआ हुआ है। है। और और अगर अगर आप आप गौर गौर से से पढ़े पढ़े तो तो ये ये टोटल टोटल 6 6 चीजें चीजें हैं, हैं, और और 6 6 रेशियोज रेशियोज के के आंसर, आंसर, यानी यानी उसने उसने जो जो हमें हमें पूछा पूछा है है कि कि क्या क्या इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज या या नो नो इफेक्ट इफेक्ट है, है, आज आज इस इस पेपर पेपर में में आया आया था था ना ना टेबल टेबल बन बन के के आया आया था, था, तो तो मैं मैं इसका इसका हल हल भी भी वैसे वैसे टेबल टेबल फॉर्म फॉर्म में में करवा करवा देता देता हूँ। हूँ। और कहता है, और एपीवैक एपीवैक लिमिटेड लिमिटेड इज इज कंसिडरिंग कंसिडरिंग टू टू टेक टेक सम सम ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग फॉलोइंग मेयर्स मेयर्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग द द लास्ट लास्ट वीक वीक ऑफ ऑफ द द ईयर ईयर एंडिंग एंडिंग दिसंबर दिसंबर मार्च मार्च 21 21 इन इन ऑर्डर ऑर्डर टू टू शो शो द द बेटर बेटर फाइनेंशियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। उसने उसने 5 5 ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन बताई, बताई, ये ये बारी 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 हम हम पढ़ते पढ़ते भी भी हैं। हैं। कहता कहता है, है, बताओ बताओ स्टेट स्टेट द द इफेक्ट इफेक्ट ऑफ ऑफ ईच ईच ऑफ ऑफ द द अबव अबव मेयर मेयर ऑन ऑन द द फाइनेंशियल फाइनेंशियल रेशियो। रेशियो। कहता कहता है, है, ऊपर ऊपर वाली वाली जो जो ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन है है ना, ना, उन उन ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन का का नीचे नीचे वाली वाली रेशियो रेशियो पे पे क्या क्या फर्क फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। ये ये सवाल सवाल पेपर पेपर में में आई आई कैप कैप बहुत बहुत दफा दफा रिपीट रिपीट कर कर चुका चुका है, है, कभी कभी एमसीक्यूज एमसीक्यूज के के अंदर, अंदर, तो तो कभी कभी पूरा 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 सवाल, सवाल, दो दो दफा दफा पूरा 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 सवाल सवाल है, है, और और मल्टीपल मल्टीपल टाइम टाइम इसके इसके एमसीक्यूज एमसीक्यूज आ आ जाते जाते हैं, हैं, ठीक ठीक है। है। और और एमसीक्यू एमसीक्यू जब जब भी भी अगर अगर वो वो सवाल सवाल नहीं नहीं देगा देगा तो तो एमसीक्यू एमसीक्यू 7-8 7-8 नंबर नंबर के के दे दे देता देता है, है, तो तो इसलिए इसलिए उसने उसने 7-8 7-8 नंबर नंबर मिनिमम मिनिमम इसमें इसमें से से पूरे पूरे करने करने ही ही करने। करने। तो तो अब अब हम हम देखते देखते हैं, हैं, जब जब भी भी इस इस तरह तरह का का इफेक्ट इफेक्ट आ आ जाए जाए और और लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन आ आ जाए, जाए, तो तो इसका इसका हल हल करने करने का का तरीकाकार तरीकाकार हमने, हमने, उस उस दिन दिन मैंने मैंने बताया बताया भी भी था, था, फिर फिर भी भी एक एक दफा दफा लिख लिख लेते लेते हैं हैं कि कि हमने हमने एक एक साइफर साइफर लिख लिख ले ले लिया लिया रेशियोस रेशियोस जो जो उसने उसने बताई बताई हैं, हैं, और और दूसरी दूसरी साइड साइड पर पर उसके उसके लिख लिख लेने लेने इफेक्ट्स। इफेक्ट्स। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन जितनी जितनी भी भी हैं, हैं, पांच पांच ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन है, है, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन नंबर नंबर 1,1, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन नंबर नंबर 2, 2, 3,3, 4 4 और और 5। फाइव। पांच पांच ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन है है और और पांच पांच ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन का का इफेक्ट इफेक्ट किस 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 रेशियो रेशियो पे पे बताना बताना है, है, ये ये चेक चेक कर कर लीजिएगा लीजिएगा जरा। जरा जीपी जीपी रेशियो, रेशियो, एनपी एनपी रेशियो, रेशियो, फिर फिर करंट करंट रेशियो, रेशियो, स्टॉक स्टॉक टर्नओवर टर्नओवर रेशियो, रेशियो, रिटर्न रिटर्न ऑन ऑन नॉन नॉन करंट करंट एसेट, एसेट, क्विक क्विक रेशियो। रेशियो। अच्छा, अच्छा, मैं मैं कुछ कुछ चीजें चीजें आपको आपको ऐसी ऐसी बताऊंगा बताऊंगा जो जो आपने आपने याद याद कर कर लेंगे, लेंगे, यानी यानी जैसे जैसे मैं मैं बताता बताता हूँ हूँ अक्सर अक्सर कि कि जब जब जीपी जीपी रेशियो रेशियो कम कम होती होती है है ना, ना, इसका इसका मतलब मतलब होता होता है है कि कि ट्रेड ट्रेड स्कोर स्कोर ऑफर ऑफर किया किया है, है, या या परचेज परचेज कॉस्ट कॉस्ट ज्यादा ज्यादा है, है, ये ये दो दो बातें बातें बताई। बताई। तो तो इस इस तरह तरह की की चीजें चीजें आपने आपने कुछ कुछ याद याद करनी करनी है, है, और और याद याद करने करने के के लिए लिए आपको आपको वापस वापस क्लास क्लास में में आना आना पड़ेगा। पड़ेगा। जिधर 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 भी भी आप आप हो हो रहा रहा अभी अभी फिलहाल फिलहाल वापस वापस आ आ जाओ, जाओ, उधर उधर थोड़ी थोड़ी सी सी ब्रेक ब्रेक लगा लगा दो। दो। हाँ हाँ जी, जी, जीपी जीपी रेशो रेशो दूसरी दूसरी कौन कौन सी सी थी, थी, एनपी एनपी रेशो, रेशो, करंट करंट रेशो, रेशो, स्टॉक स्टॉक टर्नओवर, टर्नओवर, रिटर्न, रिटर्न, बल्कि बल्कि इसको इसको रिटर्न रिटर्न ऑन ऑन नॉन नॉन करंट करंट एसेट एसेट और और क्विक क्विक रेशियो। रेशियो। बहुत बहुत ही ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल सवाल है है ये, ये, बहुत बहुत मजा मजा आएगा आएगा आपको आपको सवाल सवाल करने करने का। का। लेकिन लेकिन अगर अगर जिसको जिसको फार्मूले फार्मूले आते आते हैं, हैं, जिसको जिसको थोड़ी थोड़ी सी सी पीआरसी पीआरसी भी, भी, पीआरसी पीआरसी की की काउंटिंग काउंटिंग भी भी आती आती है है उसको, उसको, क्योंकि क्योंकि हर हर बंदा बंदा मजे मजे लेने लेने के के लिए लिए काउंटिंग काउंटिंग में में नहीं नहीं बना। बना। करें करें स्टार्ट। स्टार्ट। अब अब फार्मूले फार्मूले कोई कोई ऐसा ऐसा बंदा बंदा जिसको जिसको फार्मूले फार्मूले भी भी नहीं नहीं आते, आते, या या कोई कोई ऐसा ऐसा बंदा बंदा जिसने जिसने फार्मूले फार्मूले अभी अभी तक तक पढ़े पढ़े नहीं, नहीं, आपने आपने नहीं नहीं पढ़े। पढ़े। ठीक। ठीक। अच्छा, अच्छा, मैं मैं ना ना आप आप लोगों लोगों को को इसके इसके लेक्चर लेक्चर आज आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाजमी लाजमी शेयर शेयर हो हो जाएंगे, जाएंगे, तो तो इसके इसके दो दो तीन तीन दिनों दिनों के के अंदर अंदर आप आप कवर कवर कर कर लें लें फिर, फिर, ठीक ठीक है। है। क्योंकि क्योंकि ये ये सवाल सवाल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, है, तो तो लेकिन लेकिन उसका उसका फायदा फायदा सिर्फ सिर्फ ये ये है है कि कि मैं मैं लिखूंगा लिखूंगा फार्मूला फार्मूला लिखकर लिखकर करूंगा, करूंगा, ठीक ठीक है। है। तो तो अगर अगर आपको आपको फार्मूला फार्मूला नहीं नहीं भी भी आता आता ना, ना, तो तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन आपको आपको आ आ जाएगी जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, चलिए, सबसे सबसे पहली पहली ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन पढ़ते पढ़ते हैं हैं और और इस इस ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन के के सब सब रेशियो रेशियो के के ऊपर ऊपर पहले पहले इफेक्ट इफेक्ट लिख लिख देंगे, देंगे, एक एक ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन वाइज वाइज चलते चलते हैं, हैं, ठीक ठीक है। है। सबसे सबसे पहली पहली ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, पे पे बैलेंस बैलेंस ऑफ ऑफ मेजर मेजर सप्लायर, सप्लायर, हमने हमने बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा सप्लायर्स सप्लायर्स को को बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट लेकर लेकर पैसे पैसे पे पे कर कर दिए दिए एंड एंड अवेल अवेल
बताओ मुझे सादा सी बात, आपके सप्लायर कम हो गए या ज्यादा? आपकी एक लाइबिलिटी कम हो गई, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट से किए तो एक लाइबिलिटी बढ़ गई। दो बातें, अगली बात 5% हमने डिस्काउंट रिसीव किया या अलाउ किया? रिसीव किया, अदर इनकम या इनकम भी हो गई। मैंने आपको कहा था जिसकी जनरल एंट्री बना करे ना, उसकी जनरल एंट्री बना लिया करो और उसको हर एक चीज के ऊपर जिस हद तक इफेक्ट आ रहा है तो बनाओ। तो जनरल एंट्री पास करें इसकी, चलो सप्लायर जब पे हो जाए तो सप्लायर से भी डेबिट अज्यूम करना है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है, वो हो जाएगा क्रेडिट, और डिस्काउंट परचेज के नाम से, क्योंकि आप पहले पुराना होता था अदर इनकम, लेकिन आप किसके नाम आता है? परचेज का नाम। तो हम पहले इसकी एंट्री लिख लेते हैं, अज्यूम्ड एंट्री। मैं ना यहां पर ये एंट्री बार बार अरेज कर दिया करूंगा, तो यहां पर लिख कर, क्योंकि इसके इफेक्ट हमने देखने हैं। अकाउंट पेबल डेबिट कर लो 10 रुपए से, ठीक है। और यहां पर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट कर देते हैं कि आपने 10 रुपए पूरे तो नहीं लिए होंगे, आप ला या 100 रुपए कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हमने परचेज क्रेडिट कर देना है या डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर देना है 5 रुपए से, ये एंट्री बनेगी। इस ट्रांजैक्शन की मैंने अज्यूम किया है, क्या ये एंट्री किसी को नहीं समझ लगी तो मुझे बताएं, मैं डिटेल में बताऊंगा, शर्माना बिल्कुल नहीं जी। देखें कुछ नहीं कहा, ट्रांजेक्शन दोबारा पढ़ते हैं। पे बैलेंस ऑफ मेजर सप्लायर, सप्लायर के पैसे पे किए, राइट, सप्लायर के पैसे पे कर दिए जाए तो लाइबिलिटी हमारी कम होती है ज्यादा? कम, और लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट करते हैं, लेकिन वो कैसे पैसे उसको पे किए? बैंक से उधार लेकर, ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब एक लाइबिलिटी पे कर रहे हैं दूसरी लाइबिलिटी लेके, और हमें 5% डिस्काउंट भी मिला। सिचुएशन ये बनी कि सप्लायर ने ऑफर किया होगा कि भाई जो बंदा अगले 10 दिन में पैसे पे कर रहा है मैं उसको 5 रुपए 100 रुपए के पीछे छोड़ दूंगा। हमने जल्दी जल्दी बैंक से रिक्वेस्ट की, उसके 100 रुपया देने वाला बंदा 95 रुपया देगा और 5 रुपया उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो हम बैंक से कितने पैसे ले लेंगे? 95, और सप्लायर के, सप्लायर हमारी लायबिलिटी कितनी कम हो जाएगी? पूरा 100 रुपया, क्योंकि 95 उनको देंगे, 5 रुपया वो हमें डिस्काउंट दे देगा। तो मैंने इसकी एंट्री पास कर दी, हमारा अकाउंट पेएबल 100 रुपए से डेबिट, हमारी लायबिलिटी 95 से क्रेडिट, और परचेज या डिस्काउंट रिसीव्ड, आपके अभाव इजाज ने यहां पर डिस्काउंट रिसीव पड़ा हुआ है। आपकी जनरेशन में थोड़ी सी चेंज आई, अमेंडमेंट सही, अब वो परचेज या डिस्काउंट रिसीव लिखता है, तो हम परचेज लिखा करेंगे क्योंकि ज्यादा वो इसी को प्रेफर कर रहा है। अब सबके ऊपर इसके इफेक्ट लिखते हैं। अब ना आप लिखना नहीं है अभी, बाद में आपको हो गए तो मैं 5 मिनट दूंगा लिखने के लिए, आपने सुनना और इसके इफेक्ट भी देखने। जीपी रेशियो का फॉर्मूला पता है? जीपी ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, नजर आ रहा है सबको? चले जी, अकाउंट पेबल क्या जीपी रेशियो को अफेक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि जीपी रेशियो का फॉर्मूला देखो ना, उसके अंदर जीपी ओवर सेल है, तो क्या अकाउंट पेबल इस फॉर्मूले को अफेक्ट कर रहा है? इसका मतलब है अकाउंट पेबल की वजह से कोई मसला नहीं आ रहा है इसको। बैंक ओवरड्राफ्ट इसको अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। हाँ, उसका एक लेवल का इंटरेस्ट होगा, लेकिन अभी हम इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, जो नजर आ रहा है पहले इसकी बात कर लेते हैं। 5 रुपए परचेज ये करेगा, क्योंकि ये परचेज कम हो रही है, परचेज मतलब कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल कम होने का मतलब क्या है? आपका जीपी ज्यादा आएगा या कम? ज्यादा आएगा, जीपी आपका ज्यादा आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल, परचेज मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, परचेज मतलब अगर ये डेबिट हो तो बढ़ रही है क्योंकि एक्सपेंस है, और क्रेडिट हो तो आपका एक्सपेंस कम हो गया। तो बताओ जीपी पहले से बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। क्या सेल पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, जीपी ज्यादा हो रहा है, सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बताओ ओवरऑल आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा। तो ये तो मैथ का पता है ना, इतना है, ऊपर वाला आंसर बढ़ जाएगा पहले से, नीचे वाला आंसर सेम का सेम रहेगा, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे कि ये रेशियो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। डन, 16 नंबर ऐसे थोड़ी आएंगे, थोड़ा सा तो हमें सोचना पड़ेगा ना। मरियम,
चलिए एनपी रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, एनपी ओवर सेल मल्टीप्लाई बाय। अच्छा इस बार ना तो अकाउंट पेबल कुछ कर रहा है ना बैंक ओवर ड्राफ्ट इसको कुछ कर रहा है, अगर कुछ कर रहा है तो परचेज कर रहा है इसको भी, क्योंकि जो चीज ग्रॉस प्रॉफिट को शेयर करती है ना वो नेट प्रॉफिट को करती है, इसका मतलब है परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, इसका मतलब है नेट प्रॉफिट हमारा सेल चेंज नहीं हो रही, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है सेल चेंज डन। चीमा ये बात जनरल है, आपने अगर नहीं भी पढ़ा होगा ना आप ये दिमाग से निकाल देंगे आज आपका पहला लेक्चर, बिल्कुल आपने ये देखना है कि इस फार्मूले पर फोकस करना है कि फार्मूले पर ये इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। करंट रेशियो का फार्मूला मैं लिख देता हूं बगैर पूछे किसी से, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स ओवर ये फार्मूला है, इंटरेस्टिंग चीज है ये। चले अगर आप ये एंट्री लिखे बगैर करोगे ना तो गलती के स्ट्रॉन्ग चांसेस, लिख लिया करो। आप देखिए क्या अकाउंट पेबल इस फॉर्मूले को तंग कर रहा है, करंट लायबिलिटी 100 रुपए से कम हो रही है क्योंकि ये फॉर्मूले में क्या है ऊपर करंट एसेट्स है नीचे करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है 100 रुपए से लायबिलिटी कम हो रही है 95 से लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या परचेजेस से करंट एसेट करंट लायबिलिटी को फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ हमारा करंट लायबिलिटी में 100 रुपए का इजाफा हो रहा है और 95 रुपए सॉरी 100 रुपए लायबिलिटी कम हो रही है और 95 से बढ़ रही है, अगर हम इनको नेट करें तो 5 रुपए से हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, करंट ऐसे सेम है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सैलरी वैसे, लेकिन करंट लायबिलिटी पहले से बढ़ गई है तो डिनोमिनेटर बढ़ गया और अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो आंसर डिक्रीज हो गया मुदस्सिर को, यानी उठाने से लगी लायबिलिटी कम हुई है -100 हुआ +95 हुआ तो ओवरऑल 5 रुपए से हमारी लायबिलिटी तो डिनोमिनेटर कम होने से आंसर बढ़ गया माजरत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। चैलेंज ओके की बात, ये चीज ना दिमाग से गुजर के दिल पर लगनी चाहिए तब पता मजा आएगा वरना नहीं। आगे चलते हैं, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला बता दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक मतलब के स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर स्टॉक डन। अब मुझे बताएं इन तीनों में से कौन सी चीज ऐसी है जो स्टॉक या कॉस्ट ऑफ सेल को अफेक्ट करे, परचेजेस, परचेजेस क्योंकि ना तो एपी अकाउंट पेबल भी नहीं मसला कर रहा क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल और स्टॉक है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी है लेकिन परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल में आती है, परचेज मतलब कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है ज्यादा कम हो रही है, क्रेडिट हो रही है ना एक्सपेंस कम हो रहा है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ओवरऑल आंसर कम हो जाएगा। अब तो आप लोगों को इस चीज का पता चल जाना चाहिए, कम पर डिक्रीज ऊपर इंक्रीज लिख लिख करना, मुझे लगता है पेन को भी आदत हो जी। एंट्री पर नजर नजर एंट्री नजर आ गई, एंट्री में अकाउंट पेबल है बैंक ओवरड्राफ्ट है परचेज है, इन तीनों में से इस फार्मूले को कौन सी चीज छेड़ रही है, परचेज क्योंकि ना तो स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल है ना, परचेज स्टॉक में आता है कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, और कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर खुदा के बंदे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है ना, परचेज किस में आता होता है कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आता होता है, अब कॉस्ट ऑफ सेल पहले से कम हो रही है क्रेडिट हो रही है ना, एक्सपेंस एक्सपेंस क्रेडिट होते हैं तो कम होते हैं और स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब है ओवरऑल जवाब हमारा क्योंकि न्यूमिनेटर कम हो रहा है डन। आगे चलते हैं, रिटर्न ऑन एसेट का फार्मूला लिखवा दीजिएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर नॉन करंट
इसमें भी एक ही चीज छेड़ रही है इसको, क्योंकि परचेज बेसिकली हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, कम होता है प्रॉफिट बढ़ गया, नॉन करंट एसेट पे कोई फर्क ना पड़ा, प्रॉफिट पहले से बढ़ गया, नॉन करंट एसेट पे कोई फर्क ना पड़ा, तो ओवरऑल क्या हुआ, बढ़ जाएगा। देखिए प्रॉफिट है और नॉन करंट एसेट है, इस एंट्री के अंदर एपी और बैंक ओवरड्राफ्ट तो कुछ नहीं करेगा, पर चेंज तो हमारा एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट ऊपर जो है ये बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ गया, नॉन करंट एसेट पे कोई फर्क ना पड़ा, गॉट इट। लास्ट वन, क्विक रेशियो का फॉर्मूला बताए, करंट एसेट माइनस ओवर करंट लायबिलिटी। जी मेरे भाई, करंट एसेट्स और स्टॉक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे करंट लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, 100 से कम हो रही है, 95 से बढ़ रही है, ओवरऑल डेट इफेक्ट 5 से कम, न्यूमिरेटर कम हो गया, न्यूमिरेटर तो ऊपर सेम रहा, तो क्या आंसर आया, इंक्रीज। हाँ जी, ये कॉलम में ओके है, हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन की एंट्री पास की, एंट्री पास करके इफेक्ट देखोगे, और उस ट्रांजैक्शन का, उस एंट्री का, उस फार्मूले के एलिमेंट के साथ क्रॉस मैच करते जाओ, अब आपको क्रॉस करते यानी करते पता चलता जाएगा कि आपका किस वजह से आंसर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये पहली ट्रांजैक्शन हमारी होगी, अगर किसी को नहीं समझ लगी तो ना सही, हम दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। आप ना बस इसमें एरो का निशान लगा दें ऊपर की तरफ नीचे की, बाकी तो फार्मूले हैं और एंट्री है, कर लिए नोट, बेसिकली ये नोट करने वाली चीज है, ये एंट्री इसको नोट कर लो, बाकी तो इतना इफेक्ट नहीं है। अच्छा अभी तो हाँ, ये चीज आप ना ट्रांजैक्शन के साथ आगे लिख लो अपने, अगर आपके पास बुक है तो बुक के ऊपर यहां पर एंट्री लिख लो, और अगर आपके पास आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में ये एंट्री लिख लो, और बुक्स अपनी ले लो, क्योंकि आप लोग तो श्योर हो कि आपने पढ़ना ही पढ़ना है, रिजल्ट जैसा जैसा भी आए ना आपने पढ़ना ही है, ठीक है। रिजल्ट में अगर किसी का कोई प्लस माइनस एक दो सब्जेक्ट हो भी जाते हैं, फिर भी उसने पढ़ना ही पढ़ना है, और एटलीस्ट ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, साथ अपना वो पेपर दे देगा और साथ मिल जाएगा आगे, तो उसका टाइम जाया नहीं होगा, तो इसलिए अपने आप को फुल फ्लैग कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। ये चैप्टर हमने ईद से पहले 100% तैयार करना है, अगर आपने तैयार ना किया तो ईदी मिलेगी आपको पूरा चैप्टर, फिर उसकी रिकॉर्डिंग मैं दूंगा, फिर वो ईद पे सुनते रहे, इससे बेहतर है अच्छा तैयार करके ईदी इंजॉय करो, और जिसने अब दिन इंजॉय किए ना फिर वो ईदी वाले दिन पढ़ेगा, ताकि जब आप वापस आओ ना तो हम डायरेक्ट एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि मैं आपके दो चैप्टर कंप्लीट करवा के भेजूंगा, यही ये जो हमारा चल रहा है, एक और छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, तो दो चैप्टर हमारे हो जाएंगे सेक्शन बी के, और एक चैप्टर जब आप वापस आओगे तो वो कर देंगे। जी मेरे भाई, मैं यहां पर इसको रेज करने लगा हूं, क्योंकि मैंने सारी वो इसी जगह पर लिखनी है जो एंट्री है, ताकि मेरे लिए आसानी हो मैच करना, बार बार स्क्रीन चेंज नहीं करनी पड़ती। जी मेरे भाई, दूसरी एंट्री है सेल स्लो मूविंग स्टॉक, ये नहीं थोड़ा सा ना जाग रहे हो ना, सो तो नहीं गया, मैं एक बात बताने लगा था, बता दूं, चले, सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट, क्या मतलब है इसका, ब्रेक इवन पे बेची, नो प्रॉफिट, कहता है एक चीज आपने बेची है जिसकी कॉस्ट भी उतनी है और उसकी सेल भी उतनी है, ये सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं, जब भी स्टॉक बेचो रेशो के अंदर उसकी परपेचुअल वाली एंट्री पास किया करो, आपका सवाल ठीक हो जाए, परपेचुअल में सेल की दो एंट्री पास होती है, पता है ना सबको, एक सेल की अमाउंट से, चलो एंट्री पास करते हैं उसने स्लो मूविंग स्टॉक, एक एंट्री पास करते हैं मेरे भाई हम अकाउंट रिसीवेबल टू सेल 100 पैसे कर लेते हैं, मैंने आपको कहा था जब भी
इसके अंदर अगर वो कह भी देता पीरियोडिक, ये ना उसके सामने कहा था परपेचुअल करने, अगर वो खुद से पीरियोडिक लिख देता है ना फिर नहीं, वरना आप लोग जब भी इस तरह का सवाल आए ना तो आप दूसरी एंट्री क्या होती है भला, कॉस्ट ऑफ सेल टू स्टॉक या इन्वेंट्री, 80 रुपए या 100 रुपए, 100 रुपए भला क्यों, क्योंकि उसने खुद कहा है कि जितने वाला स्टॉक है उतने का बिका है, अगर ये ना कहता ना मैं ऊपर 100 लिखता नीचे 80 लिखता, अगर ये वो लफ्ज ना बोलता तो मैं क्या करता, ऊपर 100 लिखता नीचे जैसे बात मैंने प्रॉफिट भी बेची है ना चीज, तो मैं फिर कॉस्ट कम लिखता, या अगर उसने जीपी रेशियो बताई होती तो मैं उसका जीपी वाला डिफरेंस लिख देता, क्योंकि कॉस्ट कॉस्ट और सेल का डिफरेंस क्या होता है जीपी, कॉस्ट और सेल का डिफरेंस क्या होता है जीपी, तो मैंने उतना जीपी माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल लिख देता। चलिए जी आए जरा अब इसी को बारी बारी उन्हीं पर ले जाना है, बताओ अकाउंट रसीद पहले तो लिख देते हैं कि निशान में लगा देता हूं कि इफेक्ट क्या करेगा, जीपी रेशो पे आ गए वापस, जीपी रेशो पे अकाउंट रिसीवेबल इफेक्ट करता है नहीं, छोड़ दो ये नहीं करता, सेल करता है, चलिए अभी निशान लगा देते हैं बाद में देखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल करता है बिल्कुल करता है, स्टॉक स्टॉक नहीं करता, जीपी रेशो जी कॉस्ट ऑफ सेल आ गया ना, जब कॉस्ट ऑफ सेल आ गया फिर अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो इफेक्ट करता है ना वो कॉस्ट ऑफ सेल करता है, तो स्टॉक तुम्हारा करंट एसेट होता है उससे माइनस होता होता है, कॉस्ट ऑफ सेल में से परचेज में से निकाल रहे होते हैं हम, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गया तो फिर जब कॉस्ट ऑफ सेल के इफेक्ट आ जाए तो स्टॉक सिर्फ करंट एसेट की हैसियत से रह जाता है, तो ये हमारा करंट एसेट है बस, डन। अब कहते हैं दो चीजें इफेक्ट करती हैं, सेल बढ़ रही है कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जीपी रेशियो पहले से कम होगा या ज्यादा होगा, वैसे तो एक बगैर कैलकुलेट होता है, देखिए सेल और कॉस्ट ऑफ सेल मैंने पहले भी कहा था एंजॉय करना है तो फिर पढ़ दिया है मजे लेकर लेकर पढ़ते हैं, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल इफेक्ट कर रही है, जीपी आपके सामने है सेल आपके सामने है, गॉट इट, बताएं ये पहले से बढ़ेगा कम होगा, लिखना नहीं लिखना नहीं है, लिखना है तो फिर तो बात क्लियर हो जाएगी ना, बाद में लिखेंगे, एक बात ये मैं आपको मजेदार बताऊं, को इधर 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 आओ, अगर आप सुने सेल प्राइस कम कर दो ना थोड़ी सी भी तो जीपी रेशो कम हो जाती है, और ये सेल प्राइस तो आपकी कॉस्ट पे आ गई है, अगर सेल प्राइस थोड़ी सी भी कम करो ना तो जीपी रेशो कम होता है, तो ये सेल प्राइस आपने थोड़ी सी नहीं कम की, सारी कम कर दिया प्रॉफिट सारा कम कर दिया है, तो जब भी सेल प्राइस जितनी जैसे जैसे कम करते जाओगे जीपी रेशो साबित करके दिखाओ फिर, अब आए जरा मुझे बताएं जीपी रेशो, जीपी हमारे पास जितना भी हो जीपी के अंदर सेल प्लस हो जाएगी 100 रुपए से, कॉस्ट ऑफ सेल 100 रुपए से, ये बात समझ लगी, लेकिन सेल में 100 रुपया प्लस हो जाएगा ऐसा है, वो सेल बढ़ रही है 100 रुपए से या नहीं, जब सेल बढ़ रही है तो सेल बढ़ेगी तो 100 रुपया डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल की वजह से नेट हो जाएगा, ठीक है, जीपी के अंदर सेल प्लस होनी चाहिए माइनस प्लस, क्योंकि इनकम है ना और कॉस्ट ऑफ सेल माइनस, तो मैंने 100 रुपया प्लस कर दिया 100 रुपया माइनस कर दिया तो जीपी रेशो में क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सेल भी तो बढ़ानी है, सेल भी तो बढ़ानी है, तो ऊपर सेम रहा नीचे बढ़ गया तो ओवरऑल क्या होगा डिक्रीज होगा, एंट्री में देखें एंट्री में सेल क्रेडिट होगी नहीं, एंट्री देखो तो सेल क्रेडिट हो रही है तो सेल कम हो रही है ज्यादा, सेल क्रेडिट हो रही है तो सेल कम हो रही है ज्यादा, इनकम है हमारी ज्यादा, कोई हाल नहीं, एक मिनट इधर आओ, हुआ ये हमारी पुरानी जीपी रेशियो पड़ी थी 200, हमें ये पुराना मैं बता रहा हूं 200 से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पड़ा हुआ था और हमारी टोटल जो सेल्स थी ना वो सेल्स थी हमारी 2000, ये पहले का पुराना डेटा है, हमने इसकी जीपी रेशियो फाइंड की होगी,
क्या जीपी रेशियो आई होगी? 200 ओवर 2000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आया होगा आंसर? 10%। ये पुराना है। अब हुआ ये, हमने एक नई सेल की, क्या किया इसके अलावा भी। अब जब नई सेल की, 100 रुपए वाली सी 100 रुपए की बेची, हमारे 200 के अंदर 100 रुपया सेल का प्लस हो गया और कॉस्ट ऑफ सेल का 100 रुपया, क्योंकि सेल भी 100 रुपया है, कॉस्ट ऑफ सेल भी 100 रुपए, क्योंकि उसने खुद कहा है कि कौन सी किस पे बेची है, इक्वल टू कॉस्ट। मेरी सेल पे भी फर्क पड़ा, कितनी सेल ज्यादा हो गई। तो नया मेरा जीपी 200, नई मेरी सेल 2100। तो पहले से कम हुआ ज्यादा? कम हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया। और ये अल्लाह के बंदो, सेल जैसे का सेल प्राइस कम हो जाए ना, अगर सपोज अगर हमें चीज 100 रुपए वाली चीज 120 रुपए की बेच रहा था, तो 20 रुपए प्रॉफिट में बेच रहा था ना, अगर मैं वो चीज 120 की बजाय 115 की बेचूंगा, तो जीपी रेशियो फिर भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब भी सेल प्राइस कम हो, जीपी रेशियो कम होता है, परचेज कॉस्ट बढ़े और सेल प्राइस कम हो। तो ये हमारे सेल बढ़ गया बट सेल प्राइस कम हुई है। चले जी, कोशिश करना कि समय लग जाए आपको, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव नहीं होता सारी रात जागने की वजह से। ओके, एनपी रेशियो पे चले। चले जी, एनपी रेशियो और इंटरेस्टिंग हो गया। इधर आओ जरा, एनपी रेशियो बताओ, एनपी रेशियो कम होगा या ज्यादा? क्यों बोला? देखिए, नेट प्रॉफिट के अंदर सेल भी आती है और कॉस्ट ऑफ सेल भी आती है, क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर तो सारा कुछ ही आता है। तो उसी तरह बिल्कुल सेम इफेक्ट, सेल प्लस होगी, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस, और डिनोमिनेटर में सेल प्लस हुई, सेल प्लस हुई, तो ओवरऑल क्या बना? डिक्रीज। ओके, अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। एक जगह पर वो वहां पर जब देखेंगे तो शायद आपको परेशानी भी हो। क्या करंट रेशियो में, क्या आपके फार्मूले के अंदर कोई करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है? भाई है ना, फार्मूले अलग करना, कहीं ऊपर वाले नीचे वाले से लड़ना पड़े। जी, करंट अकाउंट रिसीवेबल और स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल प्लस हो रहा है और स्टॉक करंट एसेट में 100 रुपया प्लस हो रहा है, करंट एसेट में 100 रुपया माइनस हो रहा है, ऐसा है? रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, स्टॉक कम हो रहा है, इसका मतलब करंट एसेट में जितना प्लस हो रहा है उतना ही ऊपर, और ना ऊपर कोई फर्क पड़ा ना नीचे कोई फर्क पड़ा, पता चल गया इसका? नो इफेक्ट। देखिए, जब एक चीज ऊपर नीचे इफेक्ट करती है ना, वो आपने कैलकुलेट करना है। अब ये तो करंट एसेट में 100 प्लस हुआ, 100 माइनस हुआ, और नीचे करंट लायबिलिटी में वही, तो कुछ भी नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अपना अमाउंट लिखकर किया करें। पहले हमारे पास था 200 ओवर 100, सपोज इसका अंतर क्या था, पहले 1 चल रहा था, फिर हुआ ये कि 200 में अकाउंट रिसीवेबल प्लस हुआ और स्टॉक माइनस हुआ, और नीचे वाला लायबिलिटी में कोई फर्क, और आप भी आंसर क्या आया? हुआ। हम एक लेट किया करेंगे खुद से, एक अमाउंट ले लिया करेंगे पहले वाली, फिर इफेक्ट ऐड करेंगे, फिर दोबारा जैसे मैंने जीपी रेशियो का किया, नो इफेक्ट, नो चेंज। हां जी, जरा ध्यान से, ये कोई आम सी चीज नहीं है, बाद में मैं इसका आपको ट्रिक बताऊंगा। इंटरेस्टिंग, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऐसे कम हो रहा है ज्यादा? ध्यान से, दिमाग लाओ, दिमाग को आराम ही देना। इंक्रीज। अब एक बात भी सुने, जब भी आपका स्टॉक बिकेगा, चाहे वो प्रॉफिट में बिके
चाहे वो लॉस पे बिके, चाहे वो नो प्रॉफिट नो लॉस से बिके, स्टॉक टर्नओवर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि तो स्टॉक बिका है। स्टॉक बिकने का मतलब होता है उसका टर्न एक और बढ़ गया, चाहे वो जैसे भी बिका। और ओवरऑल देखे में आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो रही है और स्टॉक कम हो रहा है, दोनों की वजह से आंसर बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर कम हो रहा है और न्यूमिनेटर बढ़ रहा है। हाँ इंटरेस्टिंग, ये अगर आप बता गए ना मजा है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर एनसीए, अक्सर लोग जल्दी जल्दी में एनपीजीपी रेशो को देखकर आंसर देते हैं, लेकिन देखते हैं कि आप इसका आंसर कैसे देते हो। जी आ गया दिमाग में, आपने फार्मूला और एंट्री इसका जोड़ मिलाया ना, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर आपने कोई और चीज इस्तेमाल की ना, तो हो सकता है फिर गलत हो जाए। हो गया तैयार? शादीब नहीं बताना, तैयब यहां पहले दिन का इसके क्या बोल जी, पीआरसी तो किया हुआ है ना, इंशाल्लाह पीआरसी कंप्लीट है। हाँ उमर, और देखे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट के ऊपर इस पूरी एंट्री से क्या फर्क पड़ेगा, सेल प्लस कॉस्ट ऑफ सेल, जितनी सेल प्लस हो रही है प्रॉफिट में कोई चीज नहीं आया। इस एंट्री की वजह से नॉन इंटरेस्ट में कोई फर्क आ रहा है? नहीं, तो ना ऊपर कोई चेंज है ना कोई नीचे चेंज है, नो इफेक्ट। देखें इस पूरी एंट्री का, देखें अकाउंट रिसीवेबल और स्टॉक का तो इफेक्ट आ ही रहा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है, स्टॉक भी हमारा करंट एसेट, सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल से प्रॉफिट कम, तो दोनों सेम अमाउंट है, जितना प्रॉफिट प्लस जितनी इनकम प्लस उतना एक्सपेंस प्लस माइनस, तो एक्सपेंस माइनस हो गया तो न्यूमिनेटर पे कोई फर्क, और नॉन करंट एसेट पे तो वैसे कोई। अच्छा ऊपर वाला क्यों डिक्रीज हुए थे, वो नीचे उनके सेल था, उनका भी ऊपर वाला पोर्शन चेंज नहीं हुआ था, उनका नीचे सेल था इसलिए चेंज हो गया था, तो इसमें नीचे सेल नहीं था तो इसलिए इसका नो इफेक्ट। आई कैप का फरमान है कि ये चीज बहुत सारे लोगों ने गलत की थी। आगे चलते हैं क्विक रेशो, क्विक रेशो हाँ जी, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी क्या फर्क पड़ेगा यार, ये कोई भी अपने आप को पहली बार डाउन ना समझे, आप लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने पूरी सलाहियतें मौजूद है, सिर्फ लेवल ऑफ इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा सा आपको इशू आ रहा है, आप अपने दिमाग पर जोर दें। जी हर बंदा सोचता है, दिमाग में तो सोच सकते हो, सोच लिया अब बताएं। देखिए पहली बात, इस पूरे फार्मूले में ऐसी कौन सी चीज है जो क्विक रेशो को के फार्मूले को अफेक्ट कर सकती है, राइट? अकाउंट रिसीवेबल सेल भी निकाल रही, कॉस्ट सेल भी निकाल रही और स्टॉक भी निकाल रहा, क्योंकि इसके अंदर स्टॉक तो होता ही नहीं है, और भाई साहब करंट एसेट में से स्टॉक निकाल दिया जाता है, क्विक एसेट में स्टॉक के अलावा एसेट होती है, मतलब स्टॉक भी इसको अफेक्ट नहीं करेगा, इसमें से स्टॉक निकाल दिया जाता है। क्विक एसेट्स में क्या होते हैं, बाकी सारे एसेट्स होते हैं बगैर स्टॉक के, इसका मतलब है इसमें सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल अफेक्ट होगा। जी
जी लेकिन अब सिर्फ 100 का स्टॉक डिडक्ट हो रहा है। हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूं ऐसा, ये तो हम फार्मूले के हाथ लिखते हैं। बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपके पास ये यहां पर ओके नजर आ रहा है, आपके पास कैश है, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है और आपके पास स्टॉक है, सपोज ये आपके पास 100 रुपए का है, ये 200 का है और ये 50 रुपए का है, ओवरऑल आपके पास कितना हो गया 350। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल में मौजूद होती है, हम दोबारा प्लस करने की बजाय हम कहते हैं कि हमारे क्विक एसेट्स ना 50 निकाल दो तो बाकी कितने बच गए 300। बेसिकली हमारे क्विक एसेट्स ये थे अदर देन स्टॉक। तो जो हम करंट एसेट माइनस स्टॉक लिखते हैं ना, मतलब ये 300 रुपए लिखा हुआ है, 350 लिखा हुआ, बल्कि कितना लिखा हुआ है 300। अब जब स्टॉक में जो मर्जी आ रहा है हम तो स्टॉक ले रहे हैं, क्विक एसेट्स में तो स्टॉक होता ही नहीं है, इसका मतलब है स्टॉक में जो मर्जी आ रहा है चेंज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम टोटल करंट एसेट नहीं ले रहे, क्योंकि अगर आप टोटल करंट एसेट लेते तो उसके अंदर स्टॉक ऐड होगा और जितना स्टॉक ऐड होगा उतना माइनस हो जाएगा, ठीक होगी बात। तो हमारा सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है और अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा तो क्विक एसेट बढ़ गया और क्विक एसेट बढ़ गया नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा, ओवरऑल आंसर इंक्रीज आ गया। हाँ जी, ये हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, जनरल एंट्री लिख लो, बाकी ये एक्सप्लेनेशन ये ना खुद से, अब अपने आप को ना प्रोफेशनल बनाओ थोड़ा, और प्रोफेशनल बनने से ही आपको फायदे होने हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर अपने आप को तकलीफ में डालो। हाँ जी, एंट्री लिख लिया तो रेज कर दूं। मैंने किस सिचुएशन में बताया कि हर हाल में लिखना है, एंट्री पास करके लिखना है, जब ऊपर और नीचे सेम इफेक्ट आ रहा हो तो आपने कभी भी नहीं कहना नो चेंज, ऊपर और नीचे सेम इफेक्ट हो तो हमेशा चेंज आता है, ठीक है। अब कई सवाल देखेंगे एक सूरत में चेंज नहीं आता जब आंसर वन आ रहा हो, लेकिन अगर आंसर चेंज आता है तो बल्कि बेहतर है आप कल किया करो हल, हल करके सवाल आगे जाया करो। चले आ जाए इसी ट्रांजेक्शन जाके पढ़ते हैं, रिकवर डेटर बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट 10%। हमने डेटर से पैसे लिए, सपोज 100 रुपए लेना था, उसने हमें 90 रुपए दिया और 10 रुपए का डिस्काउंट ले लिया। अब पुराने जमाने में जो होता था उसकी एंट्री डिस्काउंट अलाउड के साथ होती थी, अब वो कहता है डिस्काउंट अलाउड या सेल, और ज्यादातर अब वो सेल के साथ जा रहा है, इसलिए हम एंट्री पास करते हैं बैंक डेबिट 90 रुपए से, सेल्स डेबिट या रेवेन्यू 10 रुपए से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। मैं जब आपको कहता था पीआरसी के वक्त के पीआरसी बड़े ध्यान से पढ़ो, पीआरसी के बगैर कोई जिंदगी नहीं है, मतलब अगर पीआरसी की अकाउंटिंग के अंदर इतना टाइम लगाने का, इतना खपाने का मकसद सिर्फ ये था पास होने के लिए, तो अगर हम उससे थोड़ा आधा भी पढ़ लेते ना तो पास पेपर हो जाना था, लेकिन ये सारा जो मैंने आपको खपाया है, आपकी जिंदगी खराब की थी तब, वो ये वाला फेज संवारने के लिए, बस इतने मुश्किल मुश्किल सवाल फाइनल कोर्ट के करवाने का मकसद सिर्फ यही था, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां पर भी डंडी मार जाते थे, लेकिन यहां पर कोशिश करना कि डंडी की रेशियो थोड़ी कम कर देना, क्योंकि ये कैफ है, असल सीए है। चलिए बताएं जीपी रेशियो में पूरी एंट्री में पहले पहला फैक्टर ढूंढते हैं, फिर फैक्टर, इस पूरे के अंदर सेल है, सिर्फ सेल, इसका मतलब है सेल जीपी को भी इफेक्ट करती है, सेल को भी इफेक्ट करती है। दोबारा मसला आ गया, प्रॉब्लम ये आई कि सेम इफेक्ट ऊपर भी आ रहा है, दिल को ऐसे लग रहा है कि नो इफेक्ट, लेकिन दिल की हरगिज नहीं मानी, क्योंकि दिल हमेशा धोखा देगा। आए हम एक चीज लिखते हैं, फोर्टी आने वाला 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, हमारा 40% पहले जीपी रेशियो है, खुद से अज्यूम किया कि मेरा जीपी 40 है, मेरी सेल 100 है और 40%। अब सेल 10 रुपए से कम होगी ज्यादा, जीपी कम होगा ज्यादा, कम होगा, तो
जीबी मेरा कितने का होगा? 30। सेल पे फर्क पड़ेगा, कम होगी ज्यादा? 90 का। अब 30 और 90 करें जरा कितना आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, 33 पॉइंट। लो लो, पहले 40% था, पहले लग रहा था कि ऊपर भी वही फैक्टर है नीचे भी वही फैक्टर, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है ना वो रेशियो के साथ चेंज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक सादा सी बात समझाने के लिए, 2/4 कितना आंसर होता है? 0.5। 2/4 ऊपर भी 1 प्लस कर दो, नीचे भी 1 प्लस कर दो, तो 3/5 ये 0.5 नहीं होगा, करके देख लो 0.6 हो जाए। तो याद रखिए ऊपर नीचे सेम चेंज करने से रेशियो सेम नहीं आती। तो आप लोग इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, पहले खुद से जीपी ले ले, सेल ले ले, फिर जो आपने चेंज किया वो प्लस करके कर ले, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले से कम हुआ है या पहले से ज्यादा हुआ। और वैसे भी सेल्स कम हो रही है, मैंने आपको बताया सेल कम हो तो जीपी रेशियो कम ही होती है, डिक्रीज। एनपी रेशियो सेम, क्योंकि सेम इफेक्ट आएगा, डिक्रीज। हाँ जी, करंट एसेट करंट रेशियो को फर्क पड़ रहा है, इसके अंदर दो करंट एसेट घुसे बैठे हैं। बैंक 90 पैसे बढ़ रहा है, रिसीवेबल 100 पैसे कम हो रहा है, करंट एसेट नेट ग्रोथ 10 पैसे कम हो रहे हैं, और करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क, करंट एसेट कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। ये अकाउंटिंग प्लस मैथ है, मैथ ही दिमाग में रहनी चाहिए। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर स्टॉक। अच्छा, इसका ना आज जब आई कैप का सॉल्यूशन देखोगे, ये आई कैप में सवाल आया हुआ है, क्योंकि आई कैप की किताब में सही सॉल्यूशन है, लेकिन आई कैप का सॉल्यूशन देखोगे ना, जो उसने पास पेपर के सॉल्यूशन दिए, उसमें जहां जहां डिस्काउंट का रोला होगा ना, उसने जीपी को नो चेंज किया होगा, क्योंकि वो उसको अदर एक्सपेंस और अदर इनकम लिखता था, तो उसकी वजह से जीपी रेशियो को नो इफेक्ट लिखता है। लेकिन अब हम सेल और परचेज लिख रहे हैं, तो इसकी वजह से इसमें फर्क आता है। जी आगे चलते हैं, फिर ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना, चलो हाई भी सही, तो फिर इसी स्पीड के साथ तो कम से कम हमें चलना है। तो आज कॉस्ट ऑफ सेल में क्या फर्क पड़ रहा है? कोई भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल की कोई एलिमेंट नहीं है यहां, और स्टॉक का एलिमेंट है कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है स्टॉक टर्नओवर पर पता चल गया, क्योंकि ना तो कॉस्ट ऑफ सेल का कोई एलिमेंट है इसमें, उसमें तीन एलिमेंट होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और फिर है जनाब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और एनसीए। प्रॉफिट पहले से कम हो रहा है सेल की वजह से, और नॉन करंट एसेट, इसका मतलब है न्यूमिनेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क, तो ओवरऑल क्या आंसर हुआ? डिक्रीज हो गया। आए फिर क्विक एसेट्स, इसके अंदर दोनों क्विक एसेट्स हैं, स्टॉक के अलावा सारे क्विक एसेट्स होते हैं करंट। बैंक हमारा 90 से कम हो रहा है, सो ज्यादा हो रहा है, और रिसीवेबल हमारे 100 से कम हो रहे हैं, तो क्विक एसेट्स ओवरऑल 10 से, और लायबिलिटी में कोई फर्क, ओवरऑल क्या हुआ? डिक्रीज। बेसिकली तो पहला जो कॉलम है ना उसको फिल करना मुश्किल होता है, बाद में बंदा फिर भागता रहता। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4। जी, ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 डेज विच वुड इंक्रीज सेल्स एट एग्जिस्टिंग मार्जिन। वो खुद कह रहा है, क्या कह रहा है? कहता है जितना मार्जिन कहते हैं जीपीओ सीपीएस, वो बेसिकली जो सीपीएस होता है ना वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होती है, वो कहते हैं एग्जिस्टिंग मार्जिन, जीपी रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा, मैं करके भी दिखा देता हूं साबित करके, लेकिन एनपी रेशियो बढ़ जाएगी पहले से, क्योंकि आपकी सेल्स आपकी ज्यादा हो रही है। अब सेल्स ज्यादा होने की वजह से अदर एक्सपेंस हमारे वही रहेंगे, कुछ फिक्स एक्सपेंस होते हैं ना वो वही रहेंगे, सेल पहले से ज्यादा हो जाएगी, तो हमारी एनपी रेशियो पहले से बढ़ जाएगी। आप कहते सर जीपी रेशियो भी बढ़नी चाहिए, वो अभी मैं साबित करता हूं,
एग्जिस्टिंग मार्जिन पे जीपी रेशियो ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने खुद कह दिया एग्जिस्टिंग मार्जिन। आगे चलते हैं, कहते हैं ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 डेज। हुआ ये कि हमने अपने कस्टमर को कहा कि भाई साहब 90 दिन की उधार ले जाओ, पहले हम देते थे 30 दिन की, 15 दिन की। उससे लोगों ने धड़ाधड़ हमारी सेल बढ़ा दी, तो वो कौन सी सेल बढ़ी होगी, कैश सेल या क्रेडिट सेल? क्रेडिट सेल हमारी बढ़ गई। अब अगर सेल ज्यादा हो गई, कहता है आप पहले जो हर 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए कमा रहे थे, अब भी वही है, हमने मार्जिन इंक्रीज नहीं किया। चेक करके देखते हैं, एंट्री पास करते हैं पहले, तो अज्यूम कर लें कि हमारा कोई एक मार्जिन पहले से अज्यूम करना पड़ेगा ना हमें, ताकि उसको कंपेयर कर सकें। 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए मार्जिन कमा लें पहले। हाँ, ये सवाल मैं वैसे भी इसकी तलाश में था, आ गया। आए जरा, हमने अगर हर 100 रुपए वाला चीज पे ऊपर 20 रुपए प्रॉफिट कमाया, ये हमारा पहले का जीपी रेशियो है, तो आंसर कितना आया? अब एंट्री पास करो। सेल की एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल टू, अब नई सेल हम कर रहे हैं 10 रुपए की। अब यहां पर आपका इम्तिहान है। मैंने कहा जब सेल की एंट्री पास करो तो ये भी एंट्री पास करो, मुझे बताओ किस अमाउंट से करेंगे? सुनिए, 8 रुपए से क्यों? आपका पुराना मार्जिन कितना है और नया मार्जिन भी यही है, उसने खुद कहा है। इसका मतलब है हर 10 रुपए के ऊपर आप 20% कमाते हो, तो 10 का 20% 2 रुपए, 2 रुपए प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी हुई? 10 में अगर 2 रुपए प्रॉफिट है, और ये सीपीएस लगा के सेल से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लो। अगर वो मार्जिन चेंज करता तो मैं नया मार्जिन का डिफरेंस लेता, 20% चेंज लेना मैंने। ये बात समझ लगी है कि उसने कहा कि पहले जितना भी वो मार्जिन कमाता, आप खुद कहेंगे सर पिछली दफा तो आपने ऊपर भी 100 लिखा था, नीचे भी 100 लिखा था, उसमें उसने कहा था सेल को कॉस्ट पे बेचा है, लेकिन इसमें मार्जिन पे बेचा है, तो जो मार्जिन हम डिसाइड करेंगे यहां पर, उसी मार्जिन को यहां पर हम ले लेंगे। ठीक है, अब आ जाए जरा जीपी रेशो पे, अकाउंट से फर्क पड़ेगा जीपी रेशो में? कोई फर्क, सेल 10 रुपए से ज्यादा हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल 8 रुपए से कम हो रही है, और सेल नीचे 10 रुपए से बढ़ रही है। जहां पर देखें मैं 20 प्लस 10 माइनस 8, ये सेल मैंने प्लस कर दी, कॉस्ट ऑफ सेल मैंने डिवाइडेड बाय, पहले सेल कितनी है आप कितनी ऐड करूं, आप मुझे बताएं, हम मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर 20% ही आएगा। करके देखो, क्योंकि उसने खुद कहा था हमारा मार्जिन वही है, आप करके भी देखोगे तो मार्जिन वही आएगा, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ सेल आपने लेनी है वो ध्यान से लेनी है कि जो उसने मार्जिन दिया है ना उसके हिसाब से लेनी। जीपी में सेल प्लस होती है, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होती है, और सेल के अंदर उसने हमें प्लस करके दे दिया, तो यहां पर क्या हुआ? सॉरी, नो चेंज। हाँ, अगर प्रियोडिक लेते तो फिर भी स्टॉक में तो फर्क पड़ता ही है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि जब तक वो प्रियोडिक कहे ना, आपने यही एंट्री पास कर दी। आए जरा एनपी रेशियो में फर्क पड़ेगा या नहीं? जीपी फिर भी चेंज होगा, नहीं होगा अगर प्रियोडिक नहीं, अगर वो मार्जिन रेजिस्टेंस कह रहे तो फिर जीपी नहीं चेंज होगा, नहीं होगा, उसने खुद कह दिया। आप कहेंगे सर अगर ये चीज लगाते हैं ना तो हमारा तो नो चेंज आता है, तो आपने कैसे लिख दिया इंक्रीज? देखिए, आपकी सेल बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, अब प्रॉफिट आपका ज्यादा रेशियो से बढ़ गया होगा, उसकी वजह क्योंकि बहुत ज्यादा सैलरियां वगैरह रेंट वगैरह आपके फिक्स होते हैं, सेल पहले से ज्यादा होगी और जो एक्सपेंस है वो हो ही रही, तो ओवरऑल आपका नेट प्रॉफिट पहले से बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। याद रखें जब भी हमारा इस किस्म की सिचुएशन आए ना कि एग्जिस्टिंग मार्जिन के ऊपर आपकी सेल ज्यादा हो जाए,
तो एनपी रेशियो हमेशा बढ़ जाती है। इवन कि कभी कभी जीपी रेशियो कम आती है, एनपी रेशियो ज्यादा आती है। भला कब? जब आप ट्रेड डिस्काउंट देते हो, और जब ट्रेड डिस्काउंट देंगे जीपी रेशियो कम ही आनी है, लेकिन हमारी सेल ज्यादा होने की वजह से एनपी रेशियो बढ़ जाती है। हाँ जी, करंट रेशियो पे आ जाए, ये तो आप सीधा सीधा करंट रेशियो में कौन सी चीजें आ रही हैं? 10 रुपए से एसेट बढ़ रहे हैं, 8 रुपए से स्टॉक कम हो रहा है। नेट करंट एसेट 2 रुपए से कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये तो मैं बगैर सोचे समझे, जब भी सेल हो स्टॉक टर्नओवर बढ़ जाती है। जब भी सेल हो करके देख लो, स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ रहा है, क्योंकि जब प्रॉफिट बढ़ा, नेट प्रॉफिट बढ़ा। क्विक एसेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर तो आते सिर्फ इंक्रीज। चलें जी, इसकी एंट्री आप लिख लें, एंड लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी बच गई। ये अभी आपका ये पहला सवाल है इस नेचर का, और इंशाल्लाह जब दो चार सवाल करोगे तो ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। चलें जी, लास्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही आसान है, सो तो नहीं गए हो? डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट एट गेन। अच्छा, गेन पे आपने कुछ नॉन करंट एसेट बेच दिए, गेन से मुराद क्या है? उसकी वैल्यू से ज्यादा पे बेचे या कम पे? इसका मतलब है कैश, सपोज दैट आपके पास 100 रुपए आ गया, और आपका जो नॉन करंट एसेट था वो था 80 रुपए का, और उसके ऊपर गेन कितना आ गया? तो यही एंट्री पास होगी ना, अगर गेन पे बेचोगे तो। गेन हमारा डेबिट होता है क्रेडिट, इनकम है ना, तो क्रेडिट होता है। अब कुछ लोग दिल में सोच रहे थे कि काश के पीआरसी में एंट्री सही पढ़ लेते, ये तो जगह जगह यही अजाब है, और मैंने एंट्रीज की जान तो नहीं छोड़नी। और अगर आप लोगों को एंट्री के साथ अकाउंटिंग आ गई ना, अगर मैं समझा पाया, तो ये आपकी वही फाइनल अटेम्प्ट है। आप कभी इंशाल्लाह अकाउंटिंग में फेल नहीं होगे किसी भी लेवल पे, लेकिन आप सीखो तो सही। आप जब भी जाओ, जहां फंसो, एंट्री पास करो, वो खुद बताएगी क्या करना है। तो अगर आप एंट्री अप्रोच को मैं समझा पाया आपको इस अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरी फुल टाइम कोशिश होगी हर चीज में एंट्री, हालांकि मैं डायरेक्ट भी बता सकता था तुक्के शुक्के मार के, और आपको ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन एंट्री को जो मुश्किल काम होता है ना, याद रखें वो लॉन्ग लाइफ होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझने पर टाइम लगाना। घर में जाकर दोबारा ये सवाल उठा के बैठ जाना, या मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, उसी सवाल को उठा के बैठ जाना और उसके ऊपर फोकस करना, एंट्री पास कर करके दोबारा एक दफा के क्या कोई वजह बन रही है या नहीं। चले जनाब, जीपी पे फर्क पड़ेगा, कैश है, एनसी है और गेन है, अदर इनकम है, नो इफेक्ट, कोई चीज ही नहीं आ रही है इसके अंदर। एनपी के अंदर अदर इनकम आ रही है, इंक्रीज। करंट रेशो है, कोई करंट एसेट कर लिया भी नहीं, कैश है तो सही, इंक्रीज आ गया। ये तो साफ सुथरा है, ये तो भागते जाओगे। स्टॉक है, स्टॉक तो बिका ही नहीं, ना कॉस्ट ऑफ सेल है ना स्टॉक है, नो। फिर प्रॉफिट और ओवरेंसी, ये इंटरेस्टिंग है, ये बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहे हैं, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, दोनों की वजह से इंक्रीज आ रहा है। क्विक एसेट्स, क्योंकि कैश क्विक एसेट है हमारा, लो ये अगर आप गिन लें तो इसमें से उसने 16 नंबर का ये सवाल पेपर में दिया। थोड़ा सा है सही, ये आप लोग यहां सीखते हुए बोर, एंड पे मैंने देखा है कुछ लोगों की शक्लें चेंज हुई है, क्योंकि एक जैसी नेचर का सवाल इतना लंबा हो गया, लेकिन जब पेपर में बंदा इस तरह का सवाल आ जाए तो बंदे को इतना मजा आता है, करी जाता है करी जाता है, टाइम देखता है कि टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए टाइम का ख्याल रखना है। टाइम का अपने आप की स्पीड बहुत अच्छी रखनी है,
अच्छा चले, अब क्विक ग्रांड एसेट्स माइल स्टॉक वो जैसे मर्जी देख लो आप। अब इसको कंप्लीटली हल करोगे ना तो यही बनेगा, इसको हल करके लिख दोगे ना तो यही निकलेगा जी। अच्छा जरा खामोशी प्लीज। अच्छा आपने कल जो घर से पढ़ के आना है, एक ये टर्म पढ़नी है बस, ये विंडो ड्रेसिंग को पढ़ के आना, मैं कल इसको मजीद डिटेल बताऊंगा। विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैंने समझा दिया था, बेसिकली ये पेपर में सवाल आ जाता है कि कौन कौन क्यों करते हैं हम विंडो ड्रेसिंग, क्या वजह होती है, क्या मजबूरी होती है, या किस तरह से कर सकते हैं, मतलब अपनी रेशो को मिसलीड कैसे कैसे किया जा सकता है, ये आपको दो नंबरी का तरीका सिखाया जाएगा। और उसके बाद अच्छा उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन भेजूंगा ना, मैं उसके मार्क्स बता दूंगा कि कौन कौन सा सवाल आपने करना है, वो लाजमी करके आएगा, क्योंकि कल मैंने वर्किंग कैपिटल रेशियो के रिमार्क्स करने करने तो आए थे, लेकिन आज सवाल इतना लंबा हो गया था तो हमने उसके रिमार्क्स करने, ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके जी।